नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। आपको बता दें कि आप तो जानते ही हैं कि बिहार के राजनीति में क्या चल रहा है और क्या भूचाल चल रहा है, और ये भूचाल दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी बयानों के कारण ही जाने जाते हैं, अपने विवादित बयानों के कारण ही जाने जाते हैं, जिसको लेकर आए दिन वो ऐसा बयानबाजी करते हैं जो बिहार के सियासी गलियारे में आग लगा देती है। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिस आग में वो खुद भी जल रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने स्वर्ण जाति ब्राह्मण समाज को गाली दी है। सत्यनारायण भगवान की पूजा को लेकर कहा है कि ये एक तरह से ड्रामा चलता है, नौटंकी चलती है, ये दिखावा है। और जो एक हिंदू आदमी के लिए, क्योंकि जीतन राम मांझी भी एक हिंदू हैं, और उनके लिए ये शर्मसार बात है कि उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर आपने साफ तौर पे देखा कि कल एलजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ कराई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से ये मांग की है कि जीतन राम मांझी को पाकिस्तान भेज दिया जाए। और कहीं ना कहीं ये साफ बयां करता है कि जो जीतन राम मांझी है, राम को नहीं मानते हैं, सत्यनारायण भगवान को नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व को नहीं अपनाते हैं और वो हिंदू समाज के नहीं है, वो ऐसा ही दिखावा करते हैं और वो हिंदू हैं, और एक हिंदू को ये शोभा नहीं देता है। जिसको लेकर बिहार के जितने भी ब्राह्मण हैं, स्वर्ण जाति है, या फिर जितने भी राजनेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जीतन राम मांझी सिर्फ माफी मांगते हैं और बार बार ऐसे बयानों को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ऐसा विवादित बयान एक राजनीति के तौर पे ही देखा जा रहा है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, हम आपको बता दें, जितनी भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनका मानना है कि ये जीतन राम मांझी का बयान नहीं है, ये नीतीश कुमार कहलवा रहे हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जिस तरह से माफी मांगे हैं, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक नीतीश कुमार उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं हम लोग नहीं मानेंगे। और आपको बता दें कि कल ही आपने देखा कि बीजेपी के जो गजेंद्र झा है, उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने एक इनाम घोषित कर दिया है कि जो लोग जीतन राम मांझी का जीव काट के लाएंगे उन्हें 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद दानिश रिजवान मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि किसने मां का दूध पिया है। आप देख ही रहे हैं बिहार की राजनीति में क्या क्या हो रहा है। जिसके बाद हम एक बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि भविष्य में यदि जीतन राम मांझी के यहां कोई भी श्राद्ध क्रम होता है, किसी की भी मृत्यु होती है, तो जो वहां के पंडित हैं, जो श्राद्ध क्रम करवाते हैं, वो उनके घर में जाके श्राद्ध क्रम नहीं करेंगे। और ये ऐलान गया के पांडा जो पंडित सब होते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जीतन राम मांझी के यहाँ कोई भी पंडित नहीं जाएगा श्राद्ध क्रम कराने के लिए। और ये जीतन राम मांझी का ये बयान उनके लिए अब भारी पड़ रहा है। बहरहाल, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।